दीजिएगा। कहना है कि मैं बेटी हुई माँ की ये ऐलान मैं करती हूँ, मैं बेटी हुई माँ की ये ऐलान मैं करती हूँ, और दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी जन्म देने वाली माँ से ही करती हूँ, और यही शिक्षा मिली है मुझे मेरे माता पिता से। भजनों को सुनाने से पहले स्वरों की देवी माता सरस्वती सभी साथी संगीत कलाकारों को आए हुए प्यारे प्यारे भक्तों को सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, आज माँ की सेवा करने का मौका मिला है। कहते हैं यूं तो इरादे लाख बनते हैं, बातों में दम है सच्चाई है, इसलिए बोल रही हूँ। जो कुछ बोलूंगी सच बोलूंगी दरबार में सच के सिवा, हाँ, क्योंकि दरबार में तो झूठ बोलना पाप है, और आजकल नाले के किनारे भी यहाँ पर तो डॉगी टहल रहे थे, डॉगी बहुत है। आइए, कहना है यूं तो इरादे लाख बनते हैं और बनकर के टूट जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि मुझे यहाँ का बुलावा नहीं था, लेकिन माँ ने याद किया। कल अचानक भैया से दर्शन हो गए एफबी पे, और भैया ने मतलब माँ ने भैया के सहारे मुझे बुलाया, और मेरी हाजिरी लगने का यहाँ पर मुझे मौका मिला है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाई, बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए सच से दरबार की। आइए भजन शुरू करते हैं। माँ आई है तो माँ का स्वागत करना है, माँ से कहना है माँ रंगत बदल गई तो तराना बदल गया, बदली नहीं तकदीर मेरी ये जमाना बदल गया, इसका तो कोई गम नहीं बदल गया अर्जी लगाइए कि ये दुनिया बदले तो बदले, लेकिन बस आप मत बदलना, क्योंकि अगर माँ का साथ है तो सब कुछ पास है। हाँ जी, आइए मिल करके माँ से कहना है माँ हो मेरी मैया ने किया आज मोरे अंगना में, आज माँ हमारे घर आंगन में आई है। अगर माँ की कृपा नहीं होती तो क्या हम सब यहाँ पर आते, नहीं आते ना। तो माँ ने बुलाया है, जो भक्त माँ का स्वागत कर रहे हैं जरा दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे सीधे, जो टेढ़े मेढ़े हाथ उठाएंगे तो काम टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए और कहिए हो मेरी मैया ने, मेरी मैया ने, मेरी मैया ने किया उपकार, भव से बेड़ा पार है, पार है। हाँ जी, मिलकर कहिए मेरी मैया ने शिरोमणि ने, मेरी मैया ने किया उपकार, Oh, 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 oh,
पूरा परिवार एकत्रित हुआ है। हाँ जी, सभी को खुशी है। कौन कौन दर्शन कर रहे हैं माँ के, जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए। कहिए आया दर्शन को, आया दर्शन को, आया दर्शन को पूरा परिवार, आया दर्शन को पूरा परिवार। होगा माँ के जगराते का, हाँ जी, लेकिन आए तो सिर्फ उतने ही हैं जितनों को माँ ने बुलाया है। क्योंकि कहते हैं यूं तो इरादे लाख बनते हैं, बनकर के टूट जाते हैं, और जिन्हें मैया बुलाती हैं बस वही दरबार आते हैं, आते हैं। आज हम सब भक्तों को माँ ने बुलाया है, इसलिए ताली बजा करके ही शायद मेरी भक्ति करो तो ऐसे ही करो, क्योंकि माँ ये नहीं कहती कि मुझे भक्त ज्यादा चाहिए, माँ तो सिर्फ ये कहती है कि मुझे भक्ति ज्यादा चाहिए। हाँ जी, कौन कौन भक्ति करेगा, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए सभी लोग। बज चुके हैं, वरना कल वुमेन्स डे था। हाँ जी, दुनिया की जो सबसे प्यारी माँ होती है वो जन्म देने वाली माँ होती है। क्योंकि ये माँ कहती है कि माना कि मैं सेठानी मोटी हूँ, मोटी मतलब बड़ी, माना कि मैं सेठानी मोटी हूँ, लेकिन जिसने तुम्हें जन्म दिया है उससे मैं 9 महीने छोटी हूँ। जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद है तालियों का। अगर बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद दे सकते हैं। आइए मिलकर माँ से कहना है, माँ फूलों की माला मेरी I'm
कहीं बजावट बांसुरी कहीं गोपियन के संग कितने भक्तों को प्यार है ठाकुर जी से प्यार है सभी को हम सबके पास एक ही दिल होता है और एक दिल में एक ही इंसान वास कर सकता है लेकिन सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं ठाकुर जी। वृंदावन कौन कौन गया है यहाँ से गए आप लोग क्या बात है बिहारी जी से एक बार अगर नैन लड़ गए तो फिर वो उन्हीं का हो जाता है। आइए मिल करके प्रभु के चरणों में सभी भक्त कहेंगे भाई क्या कह रही है एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सावरा अब कहीं अब कुछ नहीं जा सकता क्यों अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं बहुत प्यारा गाती हूँ वही भाभी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए आइए सभी भक्त मिलकर कहिए अब किसी ये वेद बताते हैं और जब भाव से पुकारते हैं सभी भक्त तो भगवान दौड़े दौड़े आते हैं मिल करके ये आंखें अगर एक बार बिहारी जी से मिल गई तो सच माने बंदा उन्हीं का हो जाता है मिलकर कहीं मैं तो मेरे
चुकी है, इसलिए मैं हमेशा उन्हें याद करती हूँ। आप लोगों की नजरें नहीं मिली क्या? मिली है? आंखों को बंद करिए और बिहारी जी को याद करिए। दोनों हाथ ऊपर उठे कहिए, ये जो अगर एक बार ये नजर उनसे मिल जाती है फिर इन नैनों में कोई नहीं समाता। क्यों? अब कहीं अब कहीं अब कहीं नजर अब कहीं सच्चा प्रेमी कौन बैठा है? आप नहीं करते, आपको लग रहा बस पड़ोसियों से प्यार करते हैं। जो प्रभु से प्यार करते हैं, एक बार मैं चाहती हूँ जरा खड़ी हो जाइए आप। हाँ, खड़े होकर के बाबा के चरणों में वृंदावन कौन कौन गया था? यहाँ से बस आप ही गए, आप ही गए। चलना चाहते हैं? चलना चाहते हैं कि नहीं? तो पैरों से जाएंगे ना, खड़े हो जाइए सब लोग। हाँ आइए, खड़े हो जाइए सभी लोग और नाच कर झूम कर बाबा के दरबार चल रहा है। हाँ सभी लोग खड़े हो जाइए, आप ही आंटी खड़े हो जाइए। ऐसे बैठे बैठे थोड़ी ना जाएंगे, जब खड़े होंगे तभी वृंदावन का आनंद आपको यहीं आएगा। हाँ खड़े हो जाइए सभी, आंटी जी आप भी खड़े हो जाओ। आइए सभी, ऐसा शर्मा रहा जैसा शर्मा जी का रिश्तेदार है। शर्मा जी का रिश्तेदार है। हाँ हाँ खड़े हो जाइए, पहले आप करेंगे, गाड़ी छोड़ जाइए। हाँ खड़े हो जाइए सभी लोग, आइए झूम कर सेवा करनी है। Oh,
ये पार्टी बहुत मजबूत है, इसको मत छोड़िए। ये पार्टी बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि पानी में भी नहीं छूटेगी। फैबिक का जोड़ लगा कर बैठी है आंटी जी, खड़ी हो जाइए एक बार। हाँ, एक बार अब जोरदार तालियां हो गई आंटी जी के लिए, इतनी देर में हमने इनको छुड़ाया है। भाभी जी आप खड़े हो जाओ, अगर प्यार करते हैं सब आइए। देखो इस दरबार में आई है ये वाली मजबूत पार्टी, आपके लिए कह रहे थे मैं बब्बू भैया, मैंने कहा आज आप दरबार में आई है तो दूर आपका हर गम हो जाएगा और झूम कर सेवा करेंगे तो बढ़ता हुआ प्रेत अंदर हो जाएगा। हाँ जोरदार तालियां हो गई। आप तो ऐसे खड़े जैसे मैंने आपको चुनाव में खड़ा कर दिया। बस बस ठीक है ठीक है। अब कहीं कहते हैं किस्मत लो की दुनिया में कौन किसका होता है, कोई नहीं होता। सुनो मेरा बोली पड़ाई है, इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है और धोखा वही देकर जाता है जिस पर दिल से भरोसा होता है। होता है कलयुग चल रहा है, बिना स्वार्थ के कोई किसी का नहीं होता। माता पिता भी अपने बच्चों को पालते हैं तो इसलिए कि ये बड़े होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। हाँ जी, और बच्चों का भी स्वार्थ होता है माता पिता से, तो जब जब घर में ही स्वार्थ छिपा है तो बाहर वालों की क्या बात करें। आइए सुनिए, जो प्रभु के भरोसे चलते हैं वो क्या कह रहे हैं। बुरा होता है और जब वक्त अपना नहीं है तो कोई अपने नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हजारों दर्दमंद मिलेंगे और काम के लोग सिर्फ चंद ही मिलेंगे। जब आएगा मुसीबत का वक्त, आंटी जी सिलेंडर खत्म हो गया क्या? बड़े सोच में बैठी हैं। इस दुनिया में हजारों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब आता है मुसीबत का वक्त तो यकीन मानिए आजकल दरवाजे क्या मोबाइल भी बंद ही करते हैं। हाँ जी सुनिए। किसे बताएंगे बाबा मिलकर कहिए। अब किसी कुछ बता, अब किसी